दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय DKS कंस्ट्रक्शन। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह से और तक बनने वाले फोर लेन प्रोजेक्ट को एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सिरे चढ़ा रही है। यह हिमाचल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रणजीत सिंह ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मार्च 2018 में शुरू हुआ था, जिसका 40% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट लगभग 2200 करोड़ का है। वीडियो में आपको पूरा नजारा देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कितना सुंदर दिखेगा। पंडोह से और तक इस फोर लेन प्रोजेक्ट में 10 सुरंगें, 2 फ्लाईओवर व काफी छोटे बड़े पुल हैं। प्रोजेक्ट लगभग दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। मैं दिनेश शर्मा, चेयरमैन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे पास ठेकेदारों के पास लेबरें थी उसको काम चलाने के लिए सरकार ने परमिशनें दी। हमने पूरा जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन हैं उसके हिसाब से सभी ठेकेदारों ने सैनिटाइज करके और जो भी मास्क, ग्लव्स और पीपी किट और थर्मल स्कैनिंग वगैरह का हर एक चीज़ का इंतजाम करके ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ये तो अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, ये चीज़ें तो हमारे को अब करनी पड़नी थी। तो इसलिए हमारे को ठेकेदारों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। अभी ये चीज़ें अब आगे को फिलहाल तो करनी पड़ेगी, जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती। अब तक तो इसकी दवाई नहीं निकली है, तो ख़त्म होने का तो अभी चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो आगे के लिए जैसे कि मोदी जी ने कहा है, जान है और जहान भी है, तो दोनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखते हुए और लेबर्स जो बेकार बैठी थी सारे काम पर लग गई है, तो बड़ी खुशी की बात है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, इन्होंने एडवर्स सीजन को देखते हुए हमारे को टारिंग के और बाकी बिल्डिंग्स के और रोड्स के, ब्रिज के काम स्टार्ट करने के लिए परमिशनें 24-25 तारीख के बाद शुरू कर दी थी देनी, तो हमने उसी टाइम काम शुरू कर दिए थे चलाने। तो बहुत अच्छा रहा और लेबर भी अब खुश है, जो हरास हो रही थी बेकार बैठ के, अब वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया है। चलो, महेंद्र सिंह वर्मा, प्रधान बंके बिहारी गौ सदन, चैल चौक चौगान, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बंके बिहारी गौ सदन का शिलान्यास स्थानीय विधायक श्री विनोद कुमार जी के कर कमलों द्वारा 2018 में हुआ था और अप्रैल 2020 में हम इसका लोकार्पण करने में सफल हुए। इस गौ सदन का लोकार्पण करने तक का जो सफ़र है, इसमें स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनता का हमें भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं स्थानीय जनता से ये अपील करता हूँ, करवद प्रार्थना करता हूँ कि इस गौ सदन को सुचारू रूप से चलाने में और इसके विस्तारीकरण के लिए अपना भरपूर सहयोग दें। धन्यवाद। मैं सरदार हंसपाल सिंह, मुख्य संरक्षक बांके बिहारी गौ सदन चौगान, चैल चौक, जिला मंडी। मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी ने कल हम बांके बिहारी गौ सदन के लिए 1100 किलो चारा दान किया है। मैं अपनी ओर से, प्रधान महेंद्र ठाकुर की ओर से और समस्त कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ हमारी संस्था भी कंधे के साथ कंधा मिला के सरकार के साथ खड़ी है। हाल ही में हमने 21,000 का चेक माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए हिमाचल सरकार को सौंपा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।